मंझोली चौक प्रगति विहार स्थित श्री शिव मंदिर में शारदीय नवरात्रों के अवसर पर महामाई के परम भक्तों द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ किया जा रहा है। धर्म नगरी से पधारे कथा प्रवक्ता राष्ट्रीय संत श्री स्वामी जगदीशानंद जी महाराज के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ अमृत रसधारा प्रभा में गोते लगाने के लिए श्रद्धालुजन बड़ी ही संख्या में कथा स्थल पहुंचे और श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस कथा प्रवक्ता श्री जगदीशानंद जी महाराज द्वारा कपिल देव कुंती संवाद और प्रहलाद चरित्र की सुंदर कथा का आनंद लिया। इस अवसर पर महाराज जी ने अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रस धारा का प्रभाव को जारी रखते हुए कहा, ये भी छीन करके रख लेगा उसी का नाम बताते हैं। अरे वो संत जी लोग, ये रास्ता पकड़ो ना, वो जो पीपल का पेड़ है ना जी, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है ना, वही भगत जी का घर पहुंचा दिया, मार्ग बता दिया। अजामिल थाने घर पर गणिका थी, संत बेचारे पहुंचे, अलग जगह गणिका निकली तो संतों ने कहा बेटी भगत अजामिल को बुला। गणिका ने कहा महाराज जी, जिसने भी हमारे घर का मार्ग दिया पता दिया उसने बिल्कुल गलत बताया, हमारे जो पति है ना वो भगत नहीं है, वो तो डांटा महाराज आप गलत जगह पर आगे, हम अपने हाथ से एक गिलास जल भी ला करके आपको नहीं दे सकते। सुनिए महाराज, हमारे घर में मांस भक्षण होता है, हमारे घर में मदिरा का पान होता है, ये अपवित्र जगह है, किसी दूसरे घर चले जाइए। मेरे मैया ने मेरे को बचपने का ने कहा था कि संतों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ तो किसी से भी नहीं बोलना चाहिए। महाराज आप गलत जगह आ गए, संतों ने कहा बेटी तुम्हारे मन को तकलीफ पहुंचा कोई बात नहीं, हम किसी दूसरे भगत के घर चले जाएंगे। संतों की मंडली उठी और चल दी, अभी थोड़ी दूर ही निकले थे तब तक गणिका आवाज लगाने लगी, संत जी लोग रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। संतों की मंडली रुक गई, ये दौड़ लगाती है गणिका, हाथ जोड़ करके बैठ गई, आंखों में अश्रु प्रवाहित हो गए और कहने लगी, जब हमारे घर तक आप लोग आ गए तो रात्रि भर निवास कर लीजिए वृक्ष की छाया में, मैं अपने हाथ से कोई भी सामग्री बनाकर नहीं लाऊंगी, अपने हाथ से जल भी पीने के लिए प्रेरित नहीं करूंगी, महाराज मैं ला करके सूखी सामग्री दूंगी, सूखी सामग्री दाल चावल सब ला करके दूंगी, लड्डू गोपाल का भोग लगाइए, रात्रि भर निवास कीजिए। संत बेचारे रुक गए, कीर्तन शुरू हो गया, लड्डू गोपाल का भोग लगा जी, दाल बाटी चोखा चोरबा इत्यादि तुलसी में डाला गया, लड्डू गोपाल को भोग लगाया गया और भोग वाली थाली जैसे गुरुदेव के सामने ला करके रखी गई, गुरुदेव प्रसाद पाइए, तो जानते हो क्या हो प्रसाद, यानी थाली को देख कर प्रसाद को देख करके गुरुदेव रोने लगे। बेचारे शिष्य तो घबराए, गुरु और शिष्य का रिश्ता बड़ा दुर्बल है, बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है, सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा कोई रिश्ता होता ही नहीं। गुरु को कष्ट हो तो शिष्य क्या नहीं कर देते, बिल्कुल अपने लगता है प्राणों को अगर देना पड़े तो दे देंगे, गुरुदेव को खुशहाल करने के कुछ भी करने के लिए तैयार है गुरुदेव। इस अवसर पर राम अवतार गुप्ता, सुशीला गुप्ता, ज्योति गुप्ता, हरिओम गुप्ता, राकेश गुप्ता, मधु कंसल, रीता, आलोक, नेहा, सुमित्रा, कलावती, सोमनाथ शर्मा, पारुल आदि सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित रहकर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान की अमृत वर्षा का भरपूर आनंद लिया।